गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हमने बड़ा बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सो फार वी वर डिस्कसिंग अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंडर देखिए हमने जो आगे डिस्कस करना है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गनिज्म में वैक्सीन के बारे में वैक्सीन

द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन उसके बाद क्या होता जो हमारी जो बॉडी है देखी वो याद रखेगी कि कैसे फ़ाइट करना है उस माइक्रोब से अगर वो दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करता है ये जो एंटीबॉडीज़ थी वो क्या कै? फाइट करेंगी फिर उसके अगेंस्ट जो माइक्रोब्स है सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन आ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स दैम बाई प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़ देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ यदि जो है एक डेड और बीक मरा हुआ या एक बीक जो माइक्रोब्स है इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारी बॉडी में हेल्दी बॉडी में चला जाएगा वो किसी पर्सन की जो हेल्दी पर्सन है तो क्या होगा द बॉडी जो बॉडी है फाइट करेगी फाइट और किल देम उनको मार देगी उन माइक्रोब्स को कैसे बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में द एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्राम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारी बॉडी में रहती हैं और किससे प्रोटेक्ट करेंगी फिर हमारे को डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क और इस तरह से ही एक जो वैक्सीन है वो वर्क करती है सेबरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा ट्यूबर क्लोसिस स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन ये जो बीमारियाँ हैं ये वैक्सीनेशन के द्वारा ही प्रिवेंट की जाती है कि क्या होगा एक बार जो है इन बीमारियों का टीका आपको लगा दिया जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जो वो बीमारी है वो आपको फिर नहीं लगती है इन योर चाइल्ड हुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवर डिजीज़ बचपन में आपको काफ़ी टीके लगे होंगे कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ़ दीज डिजीज़ क्या आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगे थे इट इज़ एसेंचर टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट द डीज डिजीज़ ये ज़रूरी है कि जितने भी बच्चे हैं उनको इन बीमारियों से बचाया जाए नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स वैक्सीन जो है अवेलेबल्स होती हैं हॉस्पिटल्स में अब यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टी वी एंड न्यूज़ पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम इसके बारे में सुना होगा आपने आप पल, प, पल्स पोलियो प्रोग्राम जिसमें दो बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है आपको भी पिलाई होगी जब आप छोटे थे पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू तो द चिल्ड्रन आर एक्चुअली ये वैक्सीन एक्चुअल में जो पोलियो ड्रॉप्स आपको पिलाई गई थी या आपने जो अब पी तो वो क्या है वो एक तरह की वैक्सीन ही है अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू तो इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो वर्ल्ड वाइड जो कैंपेन जो ये चली थी मुहिम किसके अगेंस्ट देखिए स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसकी हेल्प से क्या हुआ देखिए जो फाइनली जो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी वो पूरे विश्व से लगभग ख़त्म हो चुकी है दीज डेज़ वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्राम द सेवलर डिजीजेस आज के दौर में देखिए क्या होता है जो वैक्सीन्स है वो लार्ज स्केल पर बनाई जाती है बड़ी मात्रा में बनाई जाती है ऑर्गेनिज्म से कौन से ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये क्या करती हैं दे प्रोटेक्ट ह्यूमन को प्रोटेक्ट करेंगी साथ ही जो दूसरे एनिमल हैं उनको बहुत सारी बीमारियों से ये बचाती हैं नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल फर्टिलिटी को भी वो इंक्रीज़ करते हैं सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एन रिच सॉयल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी कुछ बैक्टीरिया और एलगी क्या है देखिए वो जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन उसको फिक्स करते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं वो फिर उसको सॉयल में वो मिक्स कर देते हैं या इनकी हेल्प से जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिर से वापस चली जाती है जिससे क्या होगी तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है जो उपजाऊ क्षमता मिट्टी की वो बढ़ जाती है दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर और ये जो माइक्रोब्स हैं इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर क्लीनिंग द एनवायरमेंट एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जॉर्ब द स्कूल गार्डनर्स मेकिंग मैन्योर मेन्योर और पहली ने क्या ऑब्जॉर्व किया देखिए उन्होंने ये ऑब्जॉर्व किया कि जो स्कूल का जो गार्डनर था वो क्या करा था मैन्योर बना रहा था देसी खाद अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड बेस्ट ऑफ़ द प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन उन्होंने भी क्या किया देखिए कलेक्ट किया ये जो बेस्ट था वेजिटेबल का प्लांट्स का फ्रूट्स का नियर बाई एरिया से दे पुट देम इन ए पिट मिंट फॉर बेस्ट डिस्पोजल और उसको कहाँ डाल दिया फिर एक गड्ढे में डाल दिया जो बेस्ट डिस्पोजल के लिए बना हुआ था आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉड कन्वर्ट टू मेनि कुछ समय के बाद क्या हो वो डिकम्पोज हो गया गल सड़ गया और किस में कन्वर्ट हो गया वो मेनोर में बू एंड पहली वॉन्टेड टू तो नो हाउ दिस कुड हैपन वो जानना चाहते थे कि ये कैसे हुआ एक्टिविटी दिए देखिए छोटी सी ऊपर फिर इसको रीड करना है आपने डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू पॉट्स इफ सो वट इज़ द डिफरेंस यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ड इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज आप इसमें पाएंगे इस एक्टिविटी में कि जो प्लांट बेस्ड है जो पॉट ए में था वो डिकम्पोज हो गया वो गल गया वो सड़ गया हाउ कुड दिस हैपन्स द प्लांट बेस्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू मैन्यर बाई एक्शन ऑफ माइक्रोव्स वहाँ पर देखिए क्या हुआ जो प्लांट का जो बेस्ड था वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन और इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट जो है रिलीज़ हुए वो वापस कहाँ चले जाएंगे देखिए वो प्लांट के द्वारा यूज़ फिर से कर लिए जाएंगे जब वो सॉयल में चले जाएंगे डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स एम्प्टी ग्लासेस बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज बार डिड नॉट अंडर गो एनी सच चीन एक्टिविटी बी में जो ये सबस्टांसी है देखिए ये क्या है ये डिकम्पोज नहीं हुए द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट दैम इंटू मैन्य क्योंकि क्या है इनके ऊपर जो माइक्रोब है वो एक्शन नहीं कर सकते और उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते है यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड आपने कई बार देखा होगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है जिसमें आपका जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एंड सम टाइम डेड एनिमल्स ग्राउंड में पड़े हुए होंगे यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम तो क्या होता है देखा होगा आपने कई बार कि वो क्या कुछ समय बाद वो जो चीजें वो खत्म हो जाती है डिसअपियर